ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। अरे समझ गया, रुको, इनको जो चाहिए दे दीजिएगा प्लीज। जी ओके, लिसन नाउ, डोंट मूव फ्रॉम हियर, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में, ओके? वोंट मूव, प्रॉमिस? प्रॉमिस। सॉरी, बाय बाय, जल्दी आना। मिसेस नैना मल्होत्रा। हाय, आई एम सोनिया, नाइस टू मीट यू। वेरी नाइस टू मीट यू। समीर ने बताया आप मुझसे मिलना चाहती थी। जी हाँ, उधर चल के बात करें। ओके, समीर बता रहे थे आप दोनों शादी करना चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन जब तक आप, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, नो? ओह, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वो डिवोर्स के पेपर्स रेडी हैं, डिवोर्स भी जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। आई एम सॉरी बट आई कांट टेल यू, मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन आप दुखी तो नहीं है ना मिसेस मल्होत्रा? ओह प्लीज कॉल मी नैना, आई मीन अब तक मैं सिर्फ समीर के लिए जीती आई हूँ, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ प्लीज। क्या आप सच में समीर से बेहद मोहब्बत करती हैं? जान दे सकती हूँ, इनफैक्ट 2 बार ट्राई भी कर चुकी हूँ। रियली? क्या आप कभी समीर को अपने दिल से निकाल पाओगी? हाँ, एक ऐसा आदमी जिसके साथ इतने सारे साल गुजारे हो, उनका खाना पीना, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें, उनके रुमाल, उनके रहने सहने का ढंग, छोड़ते वक्त थोड़ी तकलीफ तो होगी, बट दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। नैना, तुम बहुत अच्छी हो। फॉर यू। नहीं, मैं ये नहीं रख, नो नो, मेरी तरफ से गिफ्ट है, रख लो प्लीज। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छी हो। थैंक यू। किस्मत वाला है समीर। थैंक यू। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट, होल्ड ऑन। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, टाइम लग गया ना। हाँ, अरे ये तो सब गुस्से हैं हमसे, कोई बात नहीं, हम आइसक्रीम खा लेते। नहा रही हो सोनियो, कितना मजा आता कि अगर आप और हम समूह नहा सके, आंखें बंद करके शावर की बौछार को बरखा समझ सके। What do you think, सोनियो? Please tell me. सोनियो, क्या? प्यारे, सोनियो, सबके मारे, that's प्यारे। समीर नाराज मत हो, इसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, बिल्डिंग एक, टंकी एक, कनेक्शन एक, और इसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन। क्योंकि मेरा पाइप ब्लॉक हो चुका है। अच्छा, सुनिए बताओ कि क्या जब दिन भर यहीं पे मेरे सामने नंगे खड़े रहेंगे क्या? जा रहा हूँ, जानता हूँ कि मेरी बॉडी देख के टेंशन हो रही है, इनसे क्या फील कर रहा है ना। बाय बाय। हाय, समीर, कल मैंने एक बहुत अच्छी सहेली बनाई, बहुत प्यारी लड़की है। अरे कभी हमें भी तो मिलाओ, हमेशा इस प्यारे से मिलाती हो, किसी प्यारी से भी तो मिलाओ। तुम मिल चुके हो? मैं मिल चुका हूँ। नैना। नैना? हाँ, नाम सुना है। इडियट, नैना तुम्हारी वाइफ है। नैना आई थी। वेरी गुड। और उसे मिलके पता चला लाइफ में गलती कैसे हो जाती है। तुम्हें भी लगा ना, देखा कि मैंने नैना से शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। नहीं, गलती मेरी है, मैं तुम्हारा घर तोड़ रही हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? सोनिया, मेरी शादी तुम्हारे आने से पहले ही ऑन द रॉक्स थी,
तुम आ गई तो मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं तुम्हारी तरह सुसाइड ट्राई करते करते एक आध बार तो मर ही गया होता। और बच्चे समीर, जब इस तरह शादियां टूटती हैं, डिवोर्स होते हैं, तो बच्चों के मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नो यू राइट, बच्चों का मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए। तो हम दोनों हमारे बच्चों को कभी नहीं बोलेंगे मेरे पिछली शादी के बारे में। समीर, मैं आने वाले बच्चों की बात नहीं कर रही, उन बच्चों का क्या जो ऑलरेडी है। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? इसका बच्चे? अरे मेरे नहीं, तुम्हारे बच्चे। मेरे बच्चे? ये कहां से आते? समीर, यू आर टू मच। बीवी से झगड़ा हुआ तो क्या तुम बच्चों को भी ठुकरा दोगे? वो भी दो दो बच्चों को। नैना बच्चों को लेके आई थी? नैना बच्चों को लेके आई थी? हाँ। समीर, मुझे एक बार तुम्हारे बच्चों से मिलना है, प्यार करना है। अरे यहाँ पे पूरा का पूरा बाप खड़ा है, बाप से मिलो, बाप से प्यार करो। नहीं, शादी के बाद उनसे मुझे मिलना तो पड़ेगा ना, मैं उनके साथ खेलूंगी घूमूंगी। जरा सोचो, बच्चों को दो दो माँ का प्यार मिलेगा। एक्स्ट्रा प्यार देने की कोई जरूरत नहीं उन्हें, वैसे ही एक माँ के लाड़ प्यार ने उन्हें इतना बिगाड़ दिया कि वो बाप को नहीं पहचानते। नहीं मिलोगी तुम उन्हें? अच्छा, नहीं मिलूंगी? नहीं, नहीं मिलूंगी? नहीं। सोनिया, 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 सोनिया। काओ तुम? हैं? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे खिड़की से आया इसकी जान बचाने। अगर तू अपनी दिमाग की खिड़की खोलता ना तो तू भी इसकी जान बचा पाता। हाँ? It's only common sense. What common sense? Bloody nonsense. What nonsense? प्यार तू करे और जान प्यारे बचाए। अब ये ले तेरे प्यार का पार्सल, ये ले। पकड़। अब जब यहाँ तक लेके आए तो वहां तक भी रख दे, चल। अरे कौन है यार ये? सोनिया, सोनिया। हाँ बच्चों से मिलवा दूंगा मेरी माँ, लेकिन पहले बचपना छोड़ो प्लीज। सच? सच। अब मैं खुश हूँ। अच्छा। एक राजा था। हाँ। उसकी दो रानियां थी। अरे यार, हर राजा की दो रानियां क्यों होती है? अब ये सब मुझे नहीं पता ना। गो टू स्लीप, इट्स लेट इन द नाइट, कम ऑन, कल एग्जाम है, सो जाओ जल्दी से। बिल्कुल आवाज नहीं। ओके, नहीं सोए तो मार पड़ेगी। अभी आ रही हूँ बाबा। सर 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 आ? सर 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 बुलाकर तुमने आज तुम्हारे सर का सर शर्म के मारे चुका दिया। मैंने? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम्हारे दो दो बच्चे वो भी शादी किए बिना? नहीं नहीं नहीं, तुम तो मुझसे बड़ी झूठी निकली। अरे बस सर बस, वो बच्चे मेरे नहीं, मेरी दीदी के हैं। ओह। मेरी बहन और जीजा जी का डिवोर्स हो रहा है, इसलिए वो यहाँ हॉस्टल में पढ़ने आए हैं। सैटरडे संडे मेरे साथ रहते हैं, आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। अरे लेकिन उन दोनों को सोनिया से मिलने की क्या जरूरत थी? अब वो सोचती कि तुम मेरी बीवी हो और वो दोनों मेरे बच्चे। तो आपको तो खुश होना चाहिए। That's very good. इससे तो आपका ड्रामा और भी अच्छा हो गया। अच्छा, खाक, खाक अच्छा हुआ। खाक और खाक कभी अच्छा नहीं होता। खाक बिना शादी का बच्चा होता है। हा? और सोनिया इन दो खाक बच्चों से मिलना चाहती है। लेकिन ये बच्चे सोनिया से कहेंगे? झूठ, 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 बिल्कुल नहीं। ये बच्चे किसी से कोई झूठ नहीं बोलेंगे। इनके नाजुक मन पर क्या असर पड़ेगा, आप सोचिए ना। कभी आपने सोचा कि मेरे नाजुक रोमांस पे क्या असर पड़ेगा? सिर्फ एक कल ही की तो बात है। कल? क्यों? कल तो बिल्कुल भी नहीं, इनका एग्जाम है। आप कैसे, मतलब ये? नैना, अगर एग्जाम में फेल हुए तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं उन दोनों को कंपाउंडर की नौकरी दूंगा। ये दोनों कंपाउंड में खेलते रहेंगे। आंटी, ये लड़का इतना कह रहा है तो हाँ कर दो ना, वरना ये हमें सोने नहीं देगा। और वैसे भी अगर हम कल एग्जाम देने ना जाए तो अच्छा होगा, आपने हमें पढ़ाया ही क्या है। ये तो खाक बच्चे, अरे इनकी शक्ल से लगता है कमाल झूठ बोलेंगे सोनिया से। सोनिया इज गोना बी वेरी हैप्पी। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। आई एम सीरियस। हां अभी जाते हैं, चलो। ओके ओके सर, आपको ये बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन सर, थैंक यू। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? व्हाई? बट व्हाई? नैना, हां, जिंदगी में हर क्यों Why? Kaiku? का कोई जवाब नहीं होता। Yeah! ये मिलो बच्चों से। अब ये मत कहना कि बच्चों के बच्चों से भी मिलवा मुझे। बच्चों, आपको मम्मी डैडी में से कौन ज्यादा पसंद है? बता बता। में से कोई भी नहीं। क्या? अच्छा सुनो, अब हम आपको पूछते हैं।
बच्चे इस दुनिया में कहां से आ रहे हैं? बच्चे भगवान की देन है। आसमान से एक फरिश्ता आता है, फूलों की पंखुड़ियों में लपेटकर बच्चे को लाता है और माँ की गोद में छोड़कर चला जाता है। सुना? क्या सुना? आंटी को तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बच्चे तुम्हारे ही हो सकते हैं। मैं इनके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। क्या बोल दिया तू? अंकल, अच्छी लड़की पढ़ाई है आपने। अरे अंकल अंकल, इसने मेरी आइसक्रीम छीन ली। तुझे शर्म नहीं आती दूसरे बच्चों की आइसक्रीम छीनते हुए? थैंक यू अंकल। जा। अच्छा अंकल, आपको शर्म नहीं आती दूसरे लोगों के बच्चों को घुमाने के लिए? चुप ना, चुप। अंकल, दूसरे के बच्चे, ये सब क्या है? क्या बताऊं सोनिया, इनकी माँ नैना ने इनको ये सिखाया कि मुझे अंकल बोलो और उसके बॉयफ्रेंड को पापा। नैना का बॉयफ्रेंड भी है? हाँ, इसलिए तो छोड़ रहा हूँ। तरस गया मेरे कान इनके मुँह से पापा सुनने के लिए। तुम नैना के बॉयफ्रेंड को जानते हो? नहीं, और उसे जानना भी नहीं चाहता मैं। पर मैं उसको मिलना चाहती हूँ। अरे क्यों? व्हाई? अरे देखना पड़ेगा आदमी कैसा है, वरना लाइफ जो है खराब हो जाएगी। नैना की लाइफ खराब हो? अच्छा है। नैना की नहीं, बच्चों की लाइफ। वो आदमी गड़बड़ निकला तो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी ना। मुझे उससे मिलना ही है। मिलना है, मिलना है, मिलना है।